हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत देलवाड़ा का छोटा सा गांव कोड़वा, जहां पर 10 साल पहले पानी की टंकी वो पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन उसके बाद कोई भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई। पानी को लेकर इतनी समस्या है कि यहाँ पे आना जाना इतना दूर और चढ़ाव भी रहता है, और फिर पानी गर्मी के दिनों में तो इतनी कमी आती है कि पानी नीचे चला जाता है और गंदा गंदा पानी बाहर आता है, और बारिश के टाइम में तो पानी गंदा हो जाता, पीने के लायक भी नहीं रहता है। हमारा गांव देलवाड़ा के हिस्से में आता है, वार्ड नंबर 1 में आता है, और हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। लेकिन देलवाड़ा गांव में जो है हर गली गली में पानी है, हर मोहल्ले में पानी है, लेकिन हमारे गांव में कह रखा है कि पानी नहीं है। टंकी भी बनवा रखी है लेकिन उनमें भी कोई सुविधा नहीं है। रात को तो पानी लेने आ नहीं सकते क्योंकि जंगली जानवर यहाँ पे रहते हैं, घर का काम निकाल के इतना दूर पानी लेने आना पड़ता है, और इस कुएं में सूख जाता पानी तो दूसरे कुएं में दूर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे चढ़ा उतार कितना है यहाँ पे, तो कोई भी गिर भी जाता है, कोई किसी का पांव फिसल जाता है, तो ऐसे पानी की समस्या को लेकर आपने देलवाड़ा पंचायत में क्या कहा और उन लोगों ने पंचायत की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? कितनी बार जाके बोला वहाँ पे और एप्लीकेशन भी लिख के दी वहाँ पे, तभी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतने साल हो गए, देख के जा रहे सब और आ रहे यहाँ पे, पर यूँ नहीं यहाँ इस काम का हल, ये समस्या को दूर कैसे किया जाए, सब देख के जा रहे पर कोई समस्या का हल नहीं निकाल रहे। मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से ये अपील करता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजसमंद जिनके नंबर है 02952205536 है, उन्हें फ़ोन कर इस समस्या पर बातचीत करें ताकि पानी की सप्लाई शुरू हो सके। मैं शंभू राजसमंद देलवाड़ा से इंडिया अनेट के लिए।